बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अगर किसी शख्स को अपने अंदर ऐब नज़र ना आए तो समझ लें कि इसकी जहालत अपने दांत से भी आगे निकल गई है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो इसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। मेरी खूबी पर रहते हैं अहले ज़ुबान खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जिन लोगों को आपने मरने का गम देना है, इनको ज़िंदगी में कोई खुशी दे जाओ। शैतान को इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके रब के दर पर झुक जाता है। अपने वालिदैन की बातें गौर से सुनो ताकि तुम्हें दुनिया वालों की बातें ना सुननी पड़े। हम लोगों से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें इनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। दिल फकीरी पे उतर आए तो बादशाहों से उलझ पड़ता है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर ख़रीदते हैं और नमक लगाकर खा जाते हैं। जब इंसान ज़िंदगी की तलखियों से थकने लगता है तब आसमान को उलझी हुई नज़रों से तकता है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। किसी के सब्र का इम्तहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर